जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तब से 5 काम रोज करने पड़ते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तब से 5 काम रोज करने पड़ते हैं। फर्स्ट, झाड़ू और लादी पोछा। सेकंड, बर्तन साफ करना। थर्ड, कपड़े धोना। फोर्थ, खाना बनाने में मदद करना। और फिफ्थ, सबसे बेस्ट और वर्स्ट, रूम लगाना। ये 5 चीजें मुझे रोज करने पड़ते हैं। पहले पहले मुझे बहुत मजा आने लगा कि स्कूल नहीं है, पर घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में वो मजा नहीं रहा जो हमें एक्चुअल स्कूल में मजा आता था। दोस्तों के साथ मस्ती, टीचर की डांट, वो पीटी पीरियड, दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करके खाना, और वो ड्रामा। बच्चों की तरह क्यों झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम सब भी मेरी तरह एक्चुअल स्कूल मिस करते हो, है ना। इस कोरोना में हम अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए मुझे रोना आता है। हाँ, आई लव माई स्कूल, आई मिस माई स्कूल। मुझे पता है आप सब भी अपना स्कूल मिस करते हैं और घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अपना स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों के पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी नहीं है, तो वो लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपनी स्कूल की फीस नहीं भरी क्योंकि इस महामारी में उनके पेरेंट्स के जॉब चले गए, है ना, बहुत बुरी बात। हमारे पास जितना भी है ना, उसमें हम बहुत खुश है, पर उनके पास उतना भी नहीं है। हम क्या करें, हम तो है छोटे से बच्चे, हम भी क्या कर सकते हैं। पर नहीं, अगर हम सच में दिल से ठान ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे दिल्ली शहर में रहने वाले अधिराज सहजवाल ने भी ठान लिया था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की हेल्प की जाए। उसने खुद से 2 लाख रुपए जमा किए और सरकारी स्कूल के 100 बच्चों की बोर्ड परीक्षा की फीस पे की। जी हाँ, 100 बच्चों की। अधिराज की मम्मा एक टीचर है और अधिराज सिर्फ 8 साल का है, मुझसे भी छोटा, है ना। छोटे अधिराज की बड़ी बात, मैं, आप, हम सभी अधिराज की तरह 100 तो नहीं, 10 भी नहीं, सिर्फ एक बच्चे के एजुकेशन के लिए हम हेल्प करें तो ही पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।